मैजिक किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी पॉम्फ्रेट। प्लीज मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अच्छी अच्छी एक्साइटिंग रेसिपीज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए। तो चलिए बनाते हैं तंदूरी पॉम्फ्रेट। चार मीडियम साइज पॉम्फ्रेट का तंदूरी बनाने के लिए मैंने इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिखा है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ एक ही पॉम्फ्रेट का तंदूरी बना के दिखाऊंगी, तो उसके हिसाब से मैं इंग्रेडिएंट्स सबको बताते जाऊंगी। पहले पॉम्फ्रेट के ऊपर इस तरह से कट लगा लीजिए। एक मीडियम साइज का पॉम्फ्रेट, हाफ टेबल स्पून मस्टर्ड पेस्ट, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नींबू का रस, 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3/4 टेबल स्पून दही, 1 टेबल स्पून सरसों का तेल। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिला लूंगी। उसके बाद मैं पॉम्फ्रेट के ऊपर इस मसाले को अच्छी तरह से लगाऊंगी। इसको इसी मसाले के साथ मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के बाद इसको फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख दीजिए। रैक को 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में प्रीहीट कर लीजिए। रैक के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लीजिए। अब इसके ऊपर पॉम्फ्रेट को रख के इसको बेक करेंगे। ग्रिल मोड पे इसको 10 मिनट बेक करना है। इसके बाद इसको निकाल के इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करके इसको टर्न करना है और दोबारा से ग्रिल मोड में 10 मिनट बेक करना है। दस मिनट के बाद इसको दोबारा से ऑयल ग्रीस करके कॉन्वेक्शन मोड में 210 डिग्री टेम्परेचर में 6 मिनट तक बेक करना है। फिर इसको फुल टेम्परेचर में 2 मिनट और कॉन्वेक्शन मोड में बेक करना है। अब उसको निकाल के उसके ऊपर बटर ग्रीस करना है। फिर पॉम्फ्रेट को टर्न करना है, दोबारा से कॉन्वेक्शन मोड में हाई टेम्परेचर में
इसको बेक करना है। इसको 10 मिनट तक दोबारा बेक करेंगे। तंदूरी पॉम्फ्रेट बनके तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक बार फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।